नमस्ते, आज मैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में बात करती हूँ। पहले एसेंशियली समझाते हैं रोबोट क्या है। रोबोट इज़ अ मशीन विच विल असिस्ट द सर्जन टू डू द सर्जरी। सर्जन को हेल्प करेगा सर्जरी करने में। रोबोट सिर्फ सर्जरी नहीं करेगा, सर्जन को ही चलाना पड़ेगा। आप यूँ समझो कि अगर प्लेन है, प्लेन खुद से उड़ेगी नहीं, पायलट ही प्लेन को उड़ाएगा। प्लेन एक मशीन है जिसको पायलट उड़ाता है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। What is so good about a robot? One, it is keyhole surgery like laparoscopy. So आपके incisions बहुत छोटे होते हैं. So post of pain is very less. Recovery is extremely fast. You're most likely to go home within a day. At least for most gynecological surgeries, yes, we discharge you on the very next day. That is one very great advantage. Second great advantage is the robot is, since it's a machine. So the precision, मतलब जिस बारीकी से बॉडी में हम जो कट लगाते हैं, that is extremely good. So your complication rates are very very low. Third, what you see inside the body, the magnification is excellent and we are also seeing in 3D time. So आगे पीछे right left सब बहुत अच्छे से दिखती है। तो इसके वजह से हमारी सर्जरी बहुत एनहांस हो जाती है। जो जगह पे हम नॉर्मली नहीं पहुंच पाते हैं, फॉर गायनेकोलॉजिस्ट द पेल्विक रीजन इट्स बहुत डीप है, टू रीच दैट एरिया इज़ वेरी डिफिकल्ट। विद अ रोबोट यू कैन ईजिली रीच इट। इट इज़ सो फैंटास्टिक दैट यू कैन सी इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉल नर्व्स, प्रोवाइडेड द सर्जन नोज हाउ टू आइडेंटिफाई द नर्व्स। येस, सो इफ यू वॉन्ट टू डू अ गुड रोबोटिक सर्जरी, योर सर्जन हैज़ टू बी स्किल्ड इन अ रोबोटिक सर्जरी।